हार्दिक नमस्कार है मेरा वाल्मीकि रामायण सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिनवतितम सर्ग यानी 93वां सर्ग अयोध्या कांड से। इस सर्ग में सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन है। चलिए प्रारंभ करते हैं ये यात्रा उनके साथ। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दिता यूथ पामताः सयूथाः संप्रदुद्रुवुः रिक्षाः पृषतः मुख्याश्च रुरवश्च समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च। सा संप्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः वृतो महत्या नदिन्या सेनया चतुरंगया सागरौ घनिभा सेना भरतस्य महात्मनः महीम संछादयामास प्रावृषि द्यामिवाम्बुद तुरंगौ घैरवतता वारणैश्च महाबलैः अनालक्ष्याचिरं कालं तस्मिन् काले बभूवसा स गत्वा दूरमध्वानं सम्परिश्रान्तवाहनः उवाच वचनं श्रीमान् वसिष्ठं मन्त्रिणां वरम्। तो भरत की सेना चल दिए चित्रकूट की ओर भरद्वाज मुनि के दिखाए मार्ग पर, और उस सेना में बड़े बड़े हाथी घोड़ों के समूह हैं। तो यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ ही भाग चले थे। रीछ चितकबरे मृग तथा रूरु नामक मृग वन प्रदेशों में पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना में पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर दिया था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि ही नहीं आती थी। तो दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, यादृशम लक्ष्यते रूपम यथा चैव मया श्रुतम व्यक्तम प्राप्ताः स्मतम देशम भरद्वाजो यमब्रवीत अयम गिरिश्चित्रकूटस्तथा मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरान् नीलमेघनिभं वनम् गिरेः सानु निरम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति वारणैरवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाह पर्वत सानुषु नीलाय वात पापाये तोयम तोय धरा घना किन्नरा चरितं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्वते हयैः समन्तादाकीर्णं मकरैरिव सागरम्। तो भरत वशिष्ठ जी से बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाश रहा है और इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। तो इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे,
ये शत्रुघ्न भाई देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है, जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। एते मृग गणा भांति शीघ्र वेगाः प्रचोदिताः वायु प्रवृद्धाः शरदि मेघ जालायवांबरे कुर्वन्ति कुसुमा पीडां शिरः सुसुरभीनमि मेघ प्रकाशैः फलकैर्दाक्षिण्यात्या नरा यथा निष्कूजमिव भूत्वेदं वनम् घोर प्रदर्शनम् अयोध्येव जनाकीर्णा संप्रति प्रतिभाति मे खुरैरुदीरितो रेणुर्दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति तं वहत्यनिलः शीघ्रं कुर्वन्निव मम प्रियं स्यन्दनां स्तुरगोपेतान् सूतमुख्यैरधिष्ठितान् एतान् संपततः शीघ्रम पश्य शत्रुघ्न कानने। तो भरत शत्रुघ्न को अपनी विशाल सेना का दृश्य, उनके क्रियाकलाप दिखाते हुए आगे कहते हैं कि सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरद काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। तो घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। तो हे शत्रुघ्न देखो भाई, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। एतान वित्रासितान पश्य बरहिणः प्रिय दर्शनान एवमापततः शैलम अधिवासं पतत्रिणः अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे तापसानां निवासो अयं व्यक्तं स्वर्गपथो अनघः मृगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने मनोज्ञ रूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः साधु सैन्याः प्रतिष्ठन्ताम् विचिन्वन्तु च काननम् यथा तौ पुरुष व्याघ्रौ दृश्येते राम लक्ष्मणौ भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः विविशुस्तद्वनं शूराधुमाग्रं ददृशुस्ततः ते समालोक्य धूमाग्रमोचुर भरतमागताः न मनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवौ। भरत का मन बहुत प्रसन्न है क्योंकि जल्दी ही अब वो श्रीराम से मिलने वाले हैं, इसलिए वरना जो मार्ग इतना कठिन और दुर्गम था अचानक वो उन्हें सरल और सुगम दिखाई दे रहा है। आसपास का सब दृश्य सुमधुर मनोहर हो गया है। तो कहते हैं जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो हे निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब ओर खोजें, इससे उन दोनों पुरुष सिंह
श्री राम और लक्ष्मण का पता चल जाए। तो भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूर वीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु जहां कोई मनुष्य नहीं होता वहां आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य वहीं होंगे जहां से धुआं उठ रहा है। अथ नात्र नर व्याघ्रौ राजपुत्रौ परंतपौ अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधु सम्मतम्। सैन्यानुवाच सर्वांस्तान मित्र बलमर्दनः। यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः। अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरेव च। एवमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः। भरतो यत्र धूमाग्रम तत्र दृष्टिं समादधर। व्यवस्थिताया भरतेन सा चमूर्निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः। बभूव हिष्टा न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। तो भरत के सैनिकों ने जब बताया कि वहां कहीं से धुआं उठ रहा है, हो न हो श्री राम वहां हैं, तो भरत बोले कि यदि शत्रुओं का संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहां ना भी हो तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। तो उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। तो उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा कि तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहां से आगे मत जाना। अब मैं ही वहां जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। अब भरत नहीं चाहते कि जहां कहीं तपस्वी लोग हैं वहां वो सेना सहित जा पहुंचे और उनकी सेना को देख के वो सब डर जाएं, तो ये ठीक बात नहीं है, इसलिए वो अकेले ही वहां जाना चाहते हैं। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सबोर फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहां धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। तो भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 93वां सर्ग यहां पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य अयोध्या कांडे 93वां सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।